वेलकम थोड़ा सा रहा मेरे चैनल पर। अज मैं थानू तो बना दसूँगी फ्रूट कास्टर्ड, जो कि बहुत ही ईजी रैसीपी है। इसलिए असी लैना 1 kg दूध, तुसी अपनी मर्जी अनुसार वध घट लै सकते हो। इस तो बाद असी लवेंगे फ्रूट, फ्रूट भी तुसी अपनी मर्जी नाल कोई भी लै सकते हो या मिक्स करके भी लै सकते हो। मैंने 2 बनानाज लए ने, बनाना कट कर लिया है। इस तो बाद असी लवेंगे चीनी, टूटी फ्रूटी, कास्टर्ड पाउडर, ये वनीला का कास्टर्ड पाउडर है। फिर असी लवेंगे इलायची पाउडर। फ्रेंड्स, मैंने इलायची नू क्रश करके लिया है, तुसी क्रश करके भी लै सकते हो, इलायची पाउडर भी लै सकते हो। देख सकते हो तुसी, ये देख सकते हो मैंने वनीला का कास्टर्ड पाउडर लिया है, तुसी कोई होर फ्लेवर भी लै सकते हो। इस तो बाद असी दूध नू रखांगे गैस ते गर्म करन लई, अते असी इस विच पावांगे चीनी। चीनी भी अपनी मर्जी अनुसार जिन्ना मिठा तुहानू पसंद है उन्नी तुसी पा सकते हो। इस तो बाद असी इनू चंगी तरह गर्म कर लेंगे और इस विच पा लेंगे असी इलायची पाउडर। इलायची पाउडर पाउण तो बाद असी इस नू चंगी तरह गर्म करांगे। इस तो बाद असी कस्टर्ड पाउडर नू दूध विच मिक्स, ठंडे पानी विच मिक्स करन तो करके दूध विच पावांगे। फ्रेंड्स, जदों भी असी कस्टर्ड पाउडर नू यूज़ करते हैं तो हमेशा असी इस ठंडे पानी विच घोल के यूज़ करना है। इस नू सीधा गर्म पानी या दूध विच कदे नहीं पाउणा चाहिदा। इस तो बाद असी इनू दूध विच पा देंगे ते दूध नू थोड़ा गाढ़ा होने तक इस नू गर्म करी जावांगे। जदों तक कड़छी ते इस दी एक वधिया परत नहीं बन लगदी। कलर देने लई फ्रेंड्स, तुसी इस विच कलर भी ऐड कर सकते हो या फिर सैफरॉन भी ऐड कर सकते हो। इस विच कोई भी ड्राई फ्रूट भी ऐड करना थोड़ी मर्जी है। फिलहाल मैं इस विच सिर्फ टूटी फ्रूटी यूज़ करूँगी। तुसी टूटी फ्रूटी या कोई ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हो इस विच। ये देख सकते हो परत बननी शुरू हो गई है। इस तो बाद असी गैस नू कर देंगे बंद ते इस नू असी ठंडा करन लई रखांगे। लेकिन उस तो पहला असी इस विच पावांगे टूटी फ्रूटी। टूटी फ्रूटी मिक्स करने तो बाद फ्रेंड्स असी इसनू ठंडा करांगे बिल्कुल रूम टैंपरेचर जिन्ना। तो रूम टैंपरेचर ते लियाउण तो बाद असी इस विच जो असी केले कट्टे सी ओह पावांगे। देख सकते हो तुसी थिकनेस इहदी, बाकी ठंडा होके होर भी गाढ़ा हो जूगा। जिस तो भी गाढ़ा रखना है तो थोड़ी मर्जी है। देखो फ्रेंड्स, मैंने ठंडा कर लिया। देख सकते हो तुसी पहला नालों गाढ़ा हो चुके है। तो हुण असी इस विच ऐड करांगे कट्टे हुए बनानास। देख सकते हो तुसी देखण विच कितना सोहना लग रहा है ते खाण विच भी सुपर टेस्टी होगा। ते इस तो बाद असी इस नू 2-3 घंटे लई लगभग फ्रीजर विच रखना हुंदा जिथे असी बर्फ जमाने हुंने आ। फ्रेंड्स, ये देखो 2-3 घंटे बाद मेरा फ्रूट कास्टर्ड बिल्कुल रेडी है। तुसी देख सकते हो कितना सोहना लग रहा है। फ्रेंड्स, पहला असी जिद्दां साडे रिश्तेदार आंदे हुंदे सी असी कुछ मिठे च कड़ाह प्रसाद जां इस तरह कुछ बनाउंदे हुंदे सी। अज कल कड़ाह प्रसाद कोई खाणा इन्ना पसंद नहीं करदा, इसलिए असी इह नवीं रैसिपी बना सकते हाँ। थैंक यू मेरी वीडियो देखण लई। होर वीडियोज़ नूं देखण दे लई मेरे चैनल नूं सबसक्राइब कर दो, मेरी वीडियो नूं लाइक कर लो और शेयर कर दो। थैंक यू।